पूरी वेकेशन था कहाँ आर्टेस बोलो शांत हो जाओ शांत शांत जय शिवा शक्ति। नमस्कार मेरे प्रिय शाखा के हम दर्शकों, आज बहुत ही अद्भुत अनुभव रखने जा रहे हैं बाबा काल भैरव का, और ये बहुत ही प्रचंड सिद्धि है जो एक साधक को दी गई है। उनके मुख से ही उनका मैं परिचय आपसे करवाऊंगा। तो सर जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जय गुरु श्री राम, जय श्री राम। मैं भंगल से आया, सोमनाथ का नाम है, गुरु जी के शतपुत्र का नाम। सोमनाथ जी, आपने गुरु के चरणों में सामग्री अर्पित की, तो कुछ भेंट लेके आए हुए हैं और बहुत ही मंगल कामनाएं। तो सोमनाथ जी, हमारा एक नियम होता है, सिद्धांत होता है कि कोई भी अनुभव रखने से पहले भगवान शिव और माता पार्वती को साक्षी मांग के वचन देना होता है कि आप सत्य बोलेंगे। तो सबसे पहले आप वचन दीजिए कि आप सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। माता पार्वती बाबा भोलानाथ के साक्षी मानकर मान के वचन देता हूँ, वचन देता हूँ, सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो अच्छा ये बताइए सोमनाथ जी, जब आपको सिद्धि ट्रांसफर दिया जा रहा था तो मिनिमम जो समय होता है 5-7 मिनट का वही लगता है, उसके बाद जब आपसे आप बोला कि आप शक्ति का वाहन करिए, बाबा भैरव का वाहन करिए, उन्होंने आपके शरीर ऊपर हाजिर दे दी, हाजिर दे दी शरीर, मेरा शरीर पर ही हाजिर बाबा आ गया। उसके बाद घबराए तो नहीं? नहीं घबराए नहीं, मैंने खूब आनंद हूँ, मेरा दिल में बहुत आनंद उत्फुल्ल हो तक है, और आप बाबा की दर्शन भी हुआ, बाबा को दर्शन भी हुआ, उसके साथ मैं अच्छा साल जितना भी सिद्धि कारण रखी है एक एक करके सब दर्शन भी हुआ, मैं बहुत आनंद भी बहुत खुश भी। वो जो सिद्धियां हैं ऑलरेडी जागृत नहीं थी, आपने पहले से कर रखी थी, उनको जो आवाहन किया गया विशेष शक्ति का, विशेष तरीके से आवाहन किया गया, विशेष एक औषधि के माध्यम से, तो वो शक्तियां स्वतः ही आपको दिखने लगी। जी, जो आपने पहले सिद्धि कर रखी, आपने कौन कौन सिद्धि कर रखी, हमारे दर्शकों के सामने कुछ बताना चाहेंगे? गुप्त तो कुछ है, मैं पहले शिव जी का, उसके बाद आप आवाहन कर रहे थे। हाँ, आपने पहले वाले सिद्धि का साधना कर रखी है। हाँ, पहले भगवान शिव का बाद मैंने माता कर्णा माता ने सिद्धि कर रही थी, उसके बाद मैंने माता मायावती की सिद्धि कर रखी है। तो ये सत्य के आवाहन कर रहे थे, आपको दिख रही थी? हाँ, दिख रही है, सब आया एक एक करके, मैं 6 सिद्धि कर रखा है, तो 6 के 6 6 आया, माँ के आवाहन कर काली का आता है। ठीक है, एक एक करके सब सिद्धि, जो जो सिद्धि मैं कर रखा हूँ, बिल्कुल खुश हैं। हाँ, सब एक एक करके मेरा सामने आ रहा है, आशीर्वाद भी दीजिए, माता की आशीर्वाद दीजिए, सब सब आशीर्वाद मेरा। सोमनाथ जी, हर एक साधक की तमन्ना होती है कि मैं सिद्धि को प्रत्यक्ष देखूं, मुझे शक्ति दिखाई दे, तो आपको आपकी बाबा काल भैरव को दर्शन प्राप्त हो गया? दर्शन प्राप्त हुआ, और आपने जो पहले पूर्व में साधनाएं कर रखी थी, हम जात साधना कर रखी थी, माता मायावनी की साधना कर रखी थी, माता काली साधना कर रखी थी, माता दुर्गा साधना कर रखी थी, और जो है एक साधना कर रही थी, शिव मंदिर जा कर रखा था, तो मोदी को दर्शन। अच्छा, आपकी कुल देवी के दर्शन प्राप्त हुए? हाँ, दर्शन भी होता है, देवी देवता वही दर्शन, जितनी शक्तियों की आपने पहले साधना कर रखी थी सबका आवाहन किया और सबने आपको दर्शन, सब दर्शन प्राप्त हुआ। अब कैसा महसूस है? मैं बहुत खुशी हूँ, मेरा दिन बहुत खुशी हो, मैं आज जो खुशी होगा वो कभी नहीं होगा, एक गुरु जी आपको अच्छा, और जो आपको विद्याएं शक्कर सिखाए गए तो वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए? पूरा समझ मैंने शक्कर मत। अच्छा, एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, लोग कहते हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मतलब है आपकी परीक्षा लेना, आपकी टेस्टिंग लेना। जब आपकी परीक्षा ली गई, आपका प्रैक्टिकल कराया गया, तो आपने कितने क्वेश्चन किए, कितने आंसर आपको मिले, कुछ हमारे दर्शकों के सामने अपना अनुभव रखिए। जो जो क्वेश्चन कर रहा मैंने, पहली बार झूठ ना बोलिएगा, अपने बचाना भगवान शिव माता पार्वती, क्वेश्चन कर रहा मैंने
दे दिया, लेकिन मेरा तो बंगाल में बंगला होता है और आपका तो हिंदी कलर में मैं बोल रहा है शायद आप उसके बाद जो सब्जी का नाम लेता है वो एडजस्ट होता है, सब ठीक ठाक होता है। आपने लगभग 12 से 13 क्वेश्चन के आंसर दिए, सबके सब सही थे। हाँ सब सही, तो चार तो आंसर देने से पहले बता दें आपने मुझे देने वाले हैं। आप जब आप मुट्ठी में रहेंगे उसके पहले तो मैंने बोल दिया जो वो कला है मुट्ठी में ही था। हाँ ठीक है, तो आप इस सिद्धि को कैसे देखते हैं? कहीं लोग कहते हैं सिद्धि भविष्य नहीं बताती, भविष्य नहीं बताती, भविष्य बताते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव कहता है ये बोलता है ये सिद्धि जब ठीक ठाक होता है ना वो हर आदमी का भविष्य बताता है। हर का जीव पृथ्वी में जितना में धराधाम में जितना है जीव है उसका सब भी भूत भविष्य वर्तमान जानता है। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं सिद्धि ट्रांसफर कहते हैं, सिद्धि ट्रांसफर देता हूँ और उनका मतलब होता है मंत्र दे देंगे और अपने घर में जाइए करते रहिए करते रहिए करते रहिए, होता कुछ नहीं। नहीं, जब आपको सिद्धि ट्रांसफर अभी दिया गया है और अभी आपको सिद्धि नहीं दिख रही, अनुभव अभी आपको नहीं हो रहा है, तो बाद में क्या होगा? जब मान लिया खाना अभी आप खा रहे हैं, पानी अभी पी रहे हैं, जब अभी प्यास आपकी नहीं बुझ रही, अभी भूख आपकी नहीं मिल रही है, तो बाद में क्या प्यास बुझेगी? मैं इस बात को मानता हूँ। आप इसे कैसे हमारे दर्शकों के सामने कुछ कहना चाहेंगे अपनी बंगाली? मैं बोल रहा हूँ जी सब दर्शक सुन लीजिए, गुरु जी के पास आया सिद्धि ट्रांसफर लीजिए, आंखों में देख लीजिए, ठीक है, आंखों में देख लीजिए सिद्धि क्या है, सिद्धि साचा है ना झूठा है, पहले आंखों में देख लीजिए, उसके बाद समझता है जे सिद्धि कैसे पार होना है। आप साधक हो तो गुरु जी के पास संपर्क करो। अच्छा आप पुरोहित हैं, पुरोहित का कार्य करते हैं? मैं सब ब्राह्मण आदमी है, तो आप सिद्धि का कैसे प्रयोग करेंगे? धाम गति लगाएंगे या किसी दूसरे कार्य के लिए किस किस काम में प्रयोग करेंगे आप? मैं जितना इंसान मेरे पास आता है जी और जो जो प्रॉब्लम है सब प्रॉब्लम मैं सब करेंगे, ठीक है, धाम लगाएंगे, धाम लगेंगे, जन कल्याण करेंगे, जन कल्याण करेंगे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है। आप अपना भी भला करें, अपने जो अपने से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी भला करें और समाज का भी भला करें। जी जी जी, तो ये तो होना ही चाहिए, सिद्धि इसीलिए होती है, धर्मार्थ और परमार्थ आदि आदि काम करें। और ये सिद्धि ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं और इनके जब आपको कृपा प्राप्त होती है तो आपका परिवार स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है, आप स्वस्थ रहते हैं, किसी प्रकार का कोई अहित नहीं होता है। नहीं, और अगर सिद्धि ट्रांसफर जो लेने के इच्छुक हैं वो बुकिंग ओपन है, बुकिंग करवा सकते हैं, जो शारी साधना करना चाहते हैं बुकिंग करवा सकते हैं, बुकिंग ओपन है। लगभग एक साल से हमारे चैनल पे काम नहीं हो रहा था और माँ भगवती कृपा रही तो तत्काल ही अपना जो समय है समय निकाल करके हम चैनल पे एक्टिव होंगे, तो आप जो इच्छुक व्यक्ति हैं शारी साधना के सिद्धि ट्रांसफर के वो बुकिंग करवा सकते हैं और उसके बाद आप लोगों को समय दिया जाएगा, आप आकर के सिद्धि कर भी कर सकते हैं और सिद्धि ट्रांसफर ले भी सकते हैं। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को शिवा शक्ति, जय शिवा शक्ति, नमस्कार, मंगल कामना है। नमस्कार।